हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। जीव विज्ञान प्राध्यापक का रिजल्ट घोषित हो गया है। इससे संबंधित सारी जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आरपीएससी ने प्राध्यापक जीव विज्ञान का रिजल्ट घोषित कर दिया है। आपको बता दें, यह एग्ज़ाम 6-1 और 7-1 को हुआ था, जिसमें 6-1 को सामान्य ज्ञान का और 7-1 को जीव विज्ञान का एग्ज़ाम हुआ था। बोर्ड ने बायोलॉजी के जो भी प्रोविजनल रूप से सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनकी जो सूची है जारी कर दी है, और इन्हीं में से जो कैंडिडेट है वो सेलेक्ट किए जाएंगे। तो आप देखिए टोटल लास्ट कट ऑफ क्या रहती है, इस वीडियो में बताया जाएगा, साथ ही आने वाले वीडियोज़ में बताया जाएगा, इसलिए आप चैनल से जुड़े रहिए। आप देखिए प्रोविजनल रूप से जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनके कुछ रोल नंबर है वो इस प्रकार से हैं, आप देख सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आपको बताता हूँ कि टोटल जो है प्रोविजनल रूप से सेलेक्टेड कैंडिडेट की संख्या है 329, यानी कि 329 कैंडिडेट को सिलेक्शन किया गया, और ये दुगुने मेंबर बुलाए गए हैं और यहाँ से आधे लिए जाएंगे। तो चैनल पर बने रहिए और हम बात करते हैं अब कट ऑफ की, क्या कट ऑफ मार्क्स रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले जनरल की बात करें तो इस बार बहुत ज़्यादा मेरिट गई है, 272.99 जनरल की मेरिट गई है। फिर EWS की बात करें तो ठीक से 20 नंबर के आसपास कम, 52-62-72, यानी कि 20 नंबर EWS की मेरिट कम गई है। फिर SC कैटेगरी की बात करें तो 36 नंबर, 236, और ST की बात करें तो 205, और OBC की बात करें तो 265, और MBC की बात करें तो 217। इस प्रकार सभी की मेरिट में लगभग 10 से 15 नंबर का चेंजेस दिखाई दे रहा है, और कुछ ही दिन बाद ये बता दिया जाएगा कि किन कैंडिडेट का फाइनल रूप से सिलेक्शन हो गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपके प्रत्येक कैटेगरी में प्लस 20 मार्क्स है तो आप सुनिश्चित कर ले कि आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो सेलेक्ट के लिए आपके प्लस 20 होना ज़रूरी है, प्लस 20 मार्क्स में आप अपने आप में सेफ हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं तो हॉरिजॉन्टली रिजर्वेशन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन की जो मेरिट गई है वो 116, और PH कैटेगरी की बात करें तो 167 मेरिट गई है। किस प्रकार लगी जानकारी आपको जरूर बताइए, और आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, और अगले वीडियो के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।